यूपीएससी बोर्ड जल्द ही रिजल्ट आउट करने वाला है। दरअसल बोर्ड ने अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पर एक ऑफिशियल नोटिस जारी किया है, जिसमें उसने डेट और टाइमिंग की भी इंफॉर्मेशन दी है। नोटिफिकेशन के अनुसार 6 मई को 10th और 12th क्लास के बोर्ड एग्जाम के रिजल्ट अनाउंस कर दिए जाएंगे। इसकी जानकारी बोर्ड के मुख्य कार्यकारी अधिकारी जोसेफ इमैनुएल के मुताबिक CISCE ने 2024 से क्लास 10th और 12th के लिए कंपार्टमेंट एग्जाम्स भी बंद कर दिए हैं। अब फेल हुए स्टूडेंट्स को इस साल दोबारा एग्जाम देकर पास होने का मौका नहीं मिलेगा। ऑफिशियल प्रेस के अनुसार ICSE एग्जाम दिल्ली के CISCE के ऑफिस में प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए अनाउंस किए जाएंगे। CISCE छात्रों को ICSE परिणामों की रीचेकिंग और री इवेल्युएशन के लिए आवेदन करने की अनुमति देगा। रीचेकिंग के लिए स्टूडेंट्स को प्रति पेपर 1000 का शुल्क देना होगा और इवेल्युएशन के लिए उन्हें प्रति पेपर 1500 का भुगतान करना होगा। रिजल्ट घोषित होने के बाद परिषद की वेबसाइट पर ऑप्शन एक्टिवेट हो जाएगा। वहीं ICSE के रिजल्ट को डाउनलोड करने के स्टेप्स जान लीजिए। पहले ICSE के ऑफिशियल वेबसाइट पर जाएं, इसके बाद 10th का रिजल्ट चेक करना है तो 10th और 12th का रिजल्ट चेक करना है तो 12th का रिजल्ट लिंक पर क्लिक करें। इसके बाद आपकी स्क्रीन पर एक नया पेज ओपन हो जाएगा। अब यहां मांगी गई जानकारी दर्ज करके सबमिट कर दें। अब स्टूडेंट्स अपना रिजल्ट डाउनलोड कर सकते हैं। CISCE की ओर से 10th के एग्जाम का आयोजन 21 फरवरी से 28 मार्च तक किया गया था। वहीं क्लास 12th के एग्जाम्स 12 फरवरी से 2 अप्रैल 2024 तक हुई थी। इस साल एग्जाम में लगभग 2.5 लाख छात्र शामिल हुए थे। 10th एग्जाम में पास होने के लिए कम से कम 33% अंक होना जरूरी है। वहीं 12वीं में पास होने के लिए 35% लाना बेहद जरूरी है। पिछले साल की बात करें तो पिछले साल 10वीं और 12वीं दोनों ही क्लास में लड़कियों ने टॉप किया था। 10वीं का रिजल्ट 98.94% दर्ज किया गया था, जिसमें से 99.21% लड़कियां और 98.71% लड़कों ने सफलता प्राप्त की थी। इसके अलावा 12th क्लास का रिजल्ट 96.93% दर्ज किया गया था, जिसमें से लड़कियों का पास परसेंटेज 98.01 दर्ज किया गया था। वहीं लड़कों की बात करें तो लड़कों का पास परसेंटेज 95.96 रहा था। कैसी लगी आपको हमारी ये जानकारी, कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताइएगा। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज़ नेशन डिजिटल।